Hello students, in this video we are going to study about limitations of Ohm's law. Students, earlier we have studied about Ohm's law, and you know the mathematical statement for Ohm's law, V is equal to, you know that V is proportional to I, so we can write V is equal to R multiplied by I. R is called resistance. Now students, if you compare this equation with our mathematical equation y is equal to mx, तो आपको पता है y is equal to mx जो है ये एक linear equation है और ये straight line को represent करता है. इस equation का graph straight line होता है. उसी तरह से v is equal to r i, इसका graph भी जो होता है वो straight line होता है. अगर मैं y axis पर potential difference v को represent करता हूँ और x एक्सिस पर करंट I को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसका ग्राफ जो है ऐसा हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से पास होता है. तो ये रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन. सो ओम्स लॉ इज अ लीनियर रिलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स. सपोज दो अलग अलग कंडक्टर्स का ओम्स लॉ का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं और मुझे ऐसे मिलता है, तो ये एक कंडक्टर है वन, ये दूसरा कंडक्टर है टू. फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर वन, सेकेंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर टू. आर जो है वो एम के साथ कंपेयर किया जा सकता है. एम लाइन का स्लोप है. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ दिस लाइन. जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बनाती है, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो बड़ा एंगल है, वी कॉल इट एज थीटा वन. और ये सेकेंड लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा टू. सो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, सो एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, या आर वन इज ग्रेटर देन आर टू यू कैन से. तो फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकेंड लाइन के स्लोप से ज्यादा है, ऐसे आप ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं मैं कि सारे कंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं करते हैं. ऑल कंडक्टर्स डोंट फॉलो ओम्स लॉ. दोस कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स. एंड दोस कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. So you can understand that Ohm's law is not a fundamental law. Ye yaad rakhna aap log students. Ohm's law is not a fundamental law. It is also not a universal law. To jo ohmic conductors hote hain wo hamesha linear relation ko फॉलो करते हैं. ओम्स लॉ का वी आई ग्राफ जो होता है वो हमेशा लीनियर होता है, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स का जो वी आई ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है. द ग्राफ वी वर्सेस आई ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स इज नॉन लीनियर. दैट मींस द ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो फिर किस तरह का ग्राफ होगा, चलो हम समझते हैं. स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के डेविएशंस यानी वी और आई में जो जो डेविएशंस जो चेंजेस देखने मिलते हैं उसके हिसाब से कैसे ग्राफ मिलेंगे, चलो हम उसको समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ में जो डेविएशन हमको देखने को मिलता है उसमें एक टाइप का डेविएशन इस ग्राफ में आप देख सकते हो. देखो इसमें क्या होता है, कुछ लिमिट तक ये ग्राफ जो है वो लीनियर है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये ग्राफ लीनियर नहीं रहता है. ये डॉटेड लाइन जो है वो लीनियर रिलेशन को डिनोट करता है ओमिक कंडक्टर को, और ये जो हार्ड लाइन है बोल्ड लाइन या कर्व वो ऐसे कंडक्टर को डिनोट करता है जो ओमिक नहीं है. तो आप इसमें देख सकते हो कि जैसे जैसे वी और आई, ये वाई एक्सिस पर हमने वी डिनोट किया है, एक्स एक्सिस पर हमने आई को डिनोट किया है, तो जैसे जैसे V बढ़ता जाता है, I जो है V और I इनिशियली तो स्ट्रेट लाइन कम से कम कहीं इधर तक, समवेयर अप टू दिस पॉइंट V एंड I आर ऑलमोस्ट लीनियर.
But as the value of V goes on increasing, then the relation, the graph stops becoming linear and it starts becoming a curve. So this is one example of a conductor where Ohm's law is not followed. Okay, let us see some other type of example. Ceases matlab stops. V stops being proportional to I. Let us see another kind of deviation between V and I. Students, ये वाला जो graph है, ये और एक type का example है, जिसमें Ohm's law follow नहीं होता है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं डायोड. दिस इज व्हाट अ डायोड लुक्स लाइक. इट हैज गॉट ट्रेमेंडस एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, एम्पलीफायर्स एटसेट्रा. डायोड में से जब करंट फ्लो होता है तो वी और आई का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है. चलो इस ग्राफ को समझते हैं. ये देखो स्टूडेंट्स, राइट साइड में वी की वैल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में V की वैल्यू नेगेटिव है. अब देखो V 0.2 वोल्ट्स जब होता है तब उसके सामने करंट कितना है, 1.5 मिली एम्पियर्स का करंट है. अब एक बात समझो बच्चों, ये 1.5 मिली एम्पियर्स का जो करंट है वो कम से कम अप्रोक्सीमेटली 0.2 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा, तो करंट हमको मिलता है 1.5 मिली एम्पियर्स. अब उसके सामने जब V नेगेटिव होता है तो करंट डिक्रीज होने लगता है और उसका ग्राफ भी देखो आप लीनियर नहीं मिल रहा है. और सेम वैल्यू ये 0.2 वोल्ट्स के सामने अगर मैं 0.2 वोल्ट्स लेता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिली एम्पियर्स में मिलने की बजाय माइक्रो एम्पियर्स में मिलेगी. माइक्रो एम्पियर्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है. आपको पता है 1 माइक्रो एम्पियर 1000 टाइम्स छोटा होता है मिली एम्पियर्स से. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है राइट साइड में जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो डिक्रीजिंग है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है. पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बहुत शार्प राइज इन करंट होता है और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो करंट चेंज होता है वो इतना शार्प राइज नहीं होता है. यहाँ पर आकर तुरंत ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है. तो ये वाला जो ग्राफ है वो भी लीनियर नहीं है. आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ अगर लीनियर होगा तो ओम्स लॉ फॉलो होता है. और ये ग्राफ लीनियर नहीं है, आप देखकर समझ सकते हो ये एक कर्व है. और ये ग्राफ जो यूज होता है वो डायोड का ग्राफ है. ठीक है, चलो और एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है. स्टूडेंट्स, ये एक मटेरियल है गैलियम आर्सेनिक. ये मटेरियल भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम आता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इनके यूज होते हैं. अब ये जो ग्राफ यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने, ये भी एक ऐसा ग्राफ है जिसका जो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है. देखो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है. यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये दो वैल्यूज जो है वो करंट की सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यूज होती है वो सेम नहीं होती है. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेट्स कॉल इट एज V1, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, वी कैन कॉल इट एज V2. सो फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V यू हैव द सेम वैल्यू ऑफ करंट. देयर इज नॉट पॉसिबल इन अ लीनियर रिलेशन. द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ V, डिफरेंट वैल्यू ऑफ V, यू विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट. बट हियर फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V यू आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ करंट. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट यूनिक for different values of potential difference. So this is also a situation where the Ohm's law is not followed. So this is also an example of graph of non-ohmic conductor. Such non-ohmic conductors are used widely in electronic circuits. So students, that is all about limitations of Ohm's law. Limitations means failure of Ohm's law. ओम्स लॉ जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल लॉ नहीं है, वो हमेशा वैलिड नहीं होता है. तो जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स है, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है. दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, सिंपल टॉपिक एंड अ वेरी स्मॉल टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स.